हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने फ़ोन को यूज़ करके कैनन प्रिंटर्स में प्रिंट करोगे। तो जो प्रोसेस है वो शुरू करने से पहले एक सिंपल सी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास कैनन के वाईफाई प्रिंटर्स है तो आप डायरेक्टली कैनन के ऑफिशियल ऐप जो कि है आपका कैनन सेल्फी ऐप उससे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और अपने फ़ोन के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करके अपने प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैनन के नॉन वाईफाई प्रिंटर्स है जैसे कि ये वाला प्रिंटर है और अगर आप फोन से प्रिंट करना चाहते हो तो आपको दो चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा। एक है आपका ओटीजी केबल या फिर ओटीजी पोर्ट, तो जो ये कुछ इस तरह का दिखता है, तो जैसा आप देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखा पाऊँ। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा आपको कौन सा ओटीजी खरीदना है, तो वो डिपेंड करता है आपके फोन के चार्जिंग स्लॉट पर। तो अगर आपका फोन का चार्जिंग स्लॉट जहां पर आप पोर्ट को लगाओगे वो माइक्रो यूएसबी टाइप है तो आप नॉर्मल माइक्रो यूएसबी ओटीजी खरीदिए, अगर वो टाइप सी है तो आप टाइप सी ओटीजी खरीदिए। और जो दूसरी चीज़ है वो है एक थर्ड पार्टी ऐप, तो एक अलग थर्ड पार्टी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और उसके थ्रू आप ओटीजी को कनेक्ट करके कैनन प्रिंटर्स में प्रिंट कर सकते हो। तो मैं जो प्रिंटर आज यूज़ कर रहा हूँ वो है कैनन पिक्समा E410 यानी कि ई सीरीज प्रिंटर। तो इसी प्रिंटर में आज हम मोबाइल के थ्रू प्रिंट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है यानी कि जो ऐप है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए, सर्च बॉक्स पर जाइए और यहाँ पर NOKO नोको प्रिंट टाइप कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो पहला वाला है, इसे ही आपको इंस्टॉल करना है, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप अपने फ़ोन का नेट या फिर वाईफाई बंद कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको वाईफाई या फिर मोबाइल के नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वेब पेजेस से प्रिंट कर सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपका PDF, डॉक, PPT, XLS यानी कि एक्सेल सब आएगा, फोटोज, इमेजेस, आप सब कुछ प्रिंट कर सकते हो कैनन प्रिंटर्स में इसके थ्रू। तो कैसे प्रिंट करोगे चलिए वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंटर है उसे हम ऑन कर लेते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ A4 साइज पेपर्स हैं, इसे हम इनपुट ट्रे में डाल देते हैं, हो गया। आउटपुट ट्रे को भी मैं पीछे निकाल देता हूं और थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो ओटीजी पोर्ट है या फिर ओटीजी केबल है उसे प्रिंटर के यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे ही आप अपने ओटीजी केबल को फोन में प्लग करोगे आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर वो पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके तीन रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला, आपका फ़ोन ओटीजी सपोर्ट नहीं करता होगा। दूसरा, अगर ओटीजी सपोर्ट करता है तो फ़ोन के सेटिंग्स में आपका ओटीजी कनेक्शन बंद हो गया होगा, उसे आप सेटिंग्स में जाकर ऑन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जाइए, सेटिंग्स को जाते हैं, सेटिंग्स को जाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स को आप जाइए, एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ओटीजी कनेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, उसे आप ऑन कर लीजिए। ये अगर ऑफ हो गया होगा तो भी आपका ओटीजी रीड नहीं करेगा। और तीसरा है आपका, अगर ओटीजी जो पोर्ट है वो लूज रहेगा तब भी आपका स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो जैसे ही मैं ओटीजी को कनेक्ट करूँगा स्क्रीन पर एक पॉपअप आना चाहिए, तो देखिए तुरंत ही एक पॉपअप आ गया, नोको प्रिंट, ओपन नोको प्रिंट टू हैंडल E410 सीरीज, यानी प्रिंटर भी डिटेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ओके कर लेते हैं, क्लिक डन, नोको प्रिंट आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा देखिए आपका प्रिंटर का जो सीरीज है वो यहां पर आ गया, उसे आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपका क्या आ गया, प्रिंटर सेटअप, वी डू नॉट हैव ए ड्राइवर फॉर योर प्रिंटर और कैनॉट मैच इट ऑटोमेटिकली बट वी हैव फाउंड अ जेनरिक ड्राइवर दैट यू कैन वर्क विथ। तो आप क्या कीजिएगा, यूज जेनरिक को क्लिक कर लीजिए, तो आपका ये
सेटअप हो गया। तो अब आप क्या कीजिएगा, फोटोज क्लिक कीजिए। अगर आपको फोटोज में कुछ प्रिंट करना है तो यहां पर जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक इमोजी है, इसे ही आज हम प्रिंट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो ये आ चुका है। तो यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, यहां पर मेरा थोड़ा सा स्क्रीन खराब हो चुका है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आपको कॉपीज़, कितने कॉपीज़ चाहिए या फिर कौन से पेजेस चाहिए, सिंगल पेज चाहिए या डबल पेज चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रिंटर या फिर प्रिंटिंग ऑप्शन में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर साइज़ आपका कैसा चाहिए, आउटपुट मोड यानी कि कलर में चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, इस तरह के आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देख लेता हूँ सब है या नहीं। तो सब कुछ सही है, अब हम क्या करेंगे, बस प्रिंट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं प्रिंट क्लिक करूंगा यहां पर देखिए पेज आपका स्पूलिंग होना शुरू हो गया और वहां पर प्रिंटर में साउंड भी आने लगा है। इसका मतलब यह है कि अभी ये प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा। क्योंकि पहला प्रिंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तुरंत ही प्रिंट आपका हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटिंग शुरू हो चुका है और हमारा जो पहला आउटपुट है वो निकलने लगा है। तो अभी हमने सबसे पहले कलर प्रिंट का ऑप्शन दिया था, तो देखते हैं कलर प्रिंट होता है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो ये आपका इमोजी निकल गया, तो यहाँ पर भी आपका आ गया प्रिंट जॉब हैज़ बिन सेंट टू प्रिंटर, खत्म। उसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट अगर आपको करना है तो प्रिंटिंग ऑप्शन पर जाइए, आउटपुट मोड नॉर्मल की जगह आप ग्रे स्केल कीजिए, यानी कि नॉर्मल ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट, ओके कीजिए और फिर से प्रिंट का बटन क्लिक कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो दूसरा प्रिंटिंग भी शुरू हो चुका है और ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी निकल गया। तो इसी तरह से आप जितने भी प्रिंट चाहिए, जितने कॉपीज आपको चाहिए, वो सभी आप यहां पर सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो गाइज आप इसी ऐप को यूज करके, क्योंकि ये ऐप अभी तक तो फ्री ही है, मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी ये ऐप फ्री है और इसे आप यूज करके कैनन प्रिंटर्स में बहुत ईजिली प्रिंट कर पाओगे। तो आज मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है वो लगभग हर एक कैनन प्रिंटर में आप यूज कर सकते हो, लेकिन खासकर इंकजेट प्रिंटर्स में, चाहे MG सीरीज हो या फिर ई सीरीज हो या फिर TS सीरीज हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।